आप भी अपने वेबसाइट को बूस्ट करके उसका स्पीड बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपका वेबसाइट एसईओ के रैंकिंग में आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के आप आखिरी तक बने रहिएगा ताकि जो भी मैं स्टेप बताऊं उसे आप फॉलो कर सके और आप भी अपने वेबसाइट का एसईओ करके बूस्ट करें और आपका वेबसाइट गूगल में रैंकिंग में आए। जी हाँ, मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं डिजिटल स्रोत की रचयिता हूँ। मैं एक वेब डेवलपर भी हूँ। आज मैं आपको वेबसाइट को बूस्ट कैसे करते हैं, उसका स्पीड कैसे बढ़ाएंगे हम ताकि हमारा वेबसाइट गूगल में एसईओ में रैंकिंग में आए। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि यह सभी हम कैसे करेंगे। यहाँ पे 6 स्टेप है। इस 6 स्टेप को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने वेबसाइट को बूस्ट कर सकते हैं, आपका लोडिंग स्पीड बढ़ सकता है, आपका गूगल में रैंकिंग में आ सकता है आपका वेबसाइट। तो इन सभी चीजों के लिए आपको ये 6 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है वेबसाइट का स्पीड। अब वेबसाइट का स्पीड कैसे बढ़ेगा, तो वेबसाइट के स्पीड के लिए हमारा यूजर एक्सपीरियंस, एसईओ रैंकिंग और कन्वर्जन रेट, इन ये 3 चीज हमारे वेबसाइट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। हमारे यूजर का एक्सपीरियंस, वेबसाइट का एसईओ होना चाहिए और वेबसाइट से हमारा कन्वर्जन रेट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो होता है हमारा इमेज ऑप्टिमाइजेशन, मिनिमाइज एचटीपीसी रिक्वेस्ट और कैचिंग टेक्निक। इमेज ऑप्टिमाइजेशन होता है कि हमारे इमेज का फाइल कितना साइज का है, जितने छोटा होगा हमारा इमेज का, जितना ही जीबी केबी एमबी में छोटा होगा उतना ही हमारा इमेज ऑप्टिमाइजेशन रहेगा। मिनिमाइज एचटीटीपी होना चाहिए और कैचिंग टेक्निक होना चाहिए कि हमारा वेबसाइट का जो भी हम वीडियो लगाते हैं या फिर हम टेक्स्ट लिखते हैं वह सब ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 3 नंबर पे आता है एलिमेंटिंग रेंडम ब्लॉकिंग रिसोर्सेस। ये क्या होता है, इसके लिए हमें कॉम्बिनेंस सीएसएस का देखना पड़ेगा, यूज लोडिंग का देखना पड़ेगा, नॉन इंसुलेटेड रिसोर्सेस का देखना पड़ेगा, कहीं हमें बाहर से तो कोई हम रिसोर्स नहीं लिए हैं। इन सभी बातों का हमें ध्यान में रखना पड़ रहा है। 4 नंबर पे आता है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में मोबाइल रिस्पॉन्सिविटी डिजाइन होना चाहिए, मोबाइल पे हमारा जो वेबसाइट का पेज है वह दिखने में कैसा है, उसका जो भी फॉन्ट है साइज है उसे हमें ऑप्टिमाइज करके रखना पड़ेगा, उसका डिजाइन देखना पड़ेगा और स्ट्रीम कंटेंट होना चाहिए ताकि मोबाइल पे ऑप्टिमाइज हो। आज के समय में लोग मोबाइल पे हर एक चीज मोबाइल पे ही सर्च करते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, तो इसलिए मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में हमारा वेबसाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर पे आता है टेक्निक एक्सेप्ट। टेक्निक क्या है, इफेक्ट कोडिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइज होना चाहिए और सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। हम जहां भी अपने वेबसाइट को रखे हैं वह सर्वर का स्पीड अच्छा होना चाहिए, हमारा जो स्क्रिप्ट हम लिखे हैं वह ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो इन बातों का हमें टेक्निकल एस्पेक्ट में ध्यान देना पड़ेगा। अब 6 नंबर पे आता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, सीडीएन। अब सीडीएन क्या है, सीडीएन होता है ग्लोबल कंटेंट डिस्ट्रक्शन स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, हमारे वेबसाइट का सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर हमारे वेबसाइट का सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो कोई भी हमारे वेबसाइट को हैक कर सकता है। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और ग्लोबल कंटेंट डिस्ट्रक्शन होना चाहिए जो कि हर जगह का लोग पढ़ सके इसे। तो इन सभी बातों का हमें, यह 6 स्टेप जो है इसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और इस 6 स्टेप को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा वेबसाइट बूस्ट होगा, लोडिंग स्पीड बहुत ही अच्छा होगा और एसईओ में गूगल में रैंकिंग में आएगा।
तो आज आप जानें कि हम अपने वेबसाइट को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं और एसईओ के रैंकिंग में ला सकते हैं। तो इन 6 बातों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और आप भी अपने वेबसाइट को इसी तरह से ऑप्टिमाइज कीजिएगा ताकि आपका वेबसाइट का लोडिंग स्पीड अच्छा हो और आपका वेबसाइट एसईओ में रैंकिंग करे। वेबसाइट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी मैं लेकर आती हूँ और आती ही रहूंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए ताकि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वह भी जान सके और इसका बेनिफिट उठा सके। अगर आप भी अपना वेबसाइट बनवाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मुझसे संपर्क कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।